सब खत्म हो गया। मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। काश मैंने वो गलती ना की होती। प्यार सिर्फ बर्बाद करता है। अब सब कुछ छोड़ने का वक्त आ गया। गुड बाय। सचिन रे, अरे जल्दी नहा ले वरना पानी चला जाएगा। जल्दी आ। आपने सचिन को देखा क्या? कहाँ चला गया लड़का? सचिन, दामिनी, सचिन को देखा क्या रे? आई वो दादा को पीछे जाते हुए देखा था, उसके बाद तो नहीं देखा। अरे देवा, सचिन, सचिन, सचिन! दादा, दादा अंदर क्या कर रहे हो आप? सचिन, दादा! अरे जो किया वो कम था क्या? एक तो मुंह काला किया, ऊपर से ये नाटक नौटंकी शुरू कर दी। बाबा, कुछ गड़बड़ तो है। दादा दरवाजा नहीं खोल रहा। सचिन दरवाजा खोल। सचिन दरवाजे खोल, नहीं तो अंदर आके मैं खाल खींच लूंगा तेरी। नाटक बस हो गया तेरा उगट। अरे हाँ तू का संगता दरवाजे खोल। सचिन, 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 ये बेटा है मेरा, राजा बेटा है मेरा, सचिन मेरा बेटा है मेरा सोना राजा। ये लोग खूनी है, ये लोगों ने मार डाला, ये पोत से परिवार खूनी है। ये जिम्मेदार है मेरे बेटे के खून, मेरे बेटे की जान ले। और ये भी जिम्मेदार है, इससे भी मारा मेरे बेटे को। सोचा नहीं था सचिन कैसे में इसका यही मतलब होगा, सुसाइड करने जा रहा है। रति, तुम्हें भी मिला था ये SMS? हाँ, मुझे भी SMS भेजा था सचिन ने। सब खत्म हो गया। मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। काश मैंने वो गलती ना की होती। प्यार सिर्फ बर्बाद करता है। अब सब कुछ छोड़ने का वक्त आ गया है। गुड बाय। सचिन ने अपनी जान ले ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। कभी नहीं। सचिन! नौ सितंबर 2012 गोवा। 21 वर्षीय सचिन ने आत्महत्या कर ली। अपने आखिरी क्षणों के विचार उसने अपने दोस्तों को एक SMS में व्यक्त किए थे। वो प्रेम से जुड़ी किसी बात से बेहद डिस्टर्ब था। उसने अपनी किसी गलती का जिक्र किया था। क्या थी ये गलती? क्या वो खुद अपनी लाइफ में किसी लव अफेयर को लेकर नाकामयाब रहा था, या फिर उसने किसी दूसरे की लाइफ में तबाही मचा दी थी? सचिन रुईकर उम्र 21 साल, रति निमकर उम्र 20 साल, और रेणुका पोर्ट से उम्र सिर्फ 16 साल। बाली उम्र में कुछ दिमाग बेलगाम हो गए, भटक गए, जिसका नतीजा काफी भयंकर था। कितना लव करती मुझसे? मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। गलत, तुम मुझसे लव करती हो। करती हो ना? पहले तुम बताओ, तुम मुझसे कितना लव करते हो?
तुम्हारा फोटो मेरे मोबाइल का स्क्रीन सेवर है। तो इसे क्या होता है? ये तो बहुत ही आसान है। क्या तुम मेरे नाम का टैटू अपने हाथ पे कराओगे? पहले बोलो आई लव यू, आज ही करा लूंगा टैटू। नहीं, पहले तुम टैटू बनाओ, उसके बाद मैं सोच के बताऊंगी। क्या रे सचिन, इतनी देर क्यों हो गई? आई वो एक्स्ट्रा क्लास थी आज। ये दामिनी सुन, ये मेहंदी का कलर परमानेंट रह सकता है? क्यों दादा, आपको मेहंदी लगवानी है क्या? जितना पूछा उतना जवाब दे। और ये बता कहाँ पर होगी मेहंदी? पहले आप बताओ कि बात क्या है, आप अपने हाथों पर मेहंदी क्यों लगवाना चाहते हो? किसी का नाम लिखवाना है? ऐसे कुछ समझ ले, ये बता कहाँ पर होगा? पहले बताओ किसका नाम लिखवाना है? दामिनी ओवर स्मार्ट मत बन समझी, जितना पूछा उतना बता। वो बोराटा मार्केट है ना, उसके पीछे हिप्पी मार्केट लगता है, वहाँ पे एक शॉप है, सस्ते में भी करता है, वैसे टैटू भी करता है वो। थैंक्स, वैसे मुझे टैटू नहीं कराना। ओके दादा, टैटू परमानेंट होता है, मेहंदी नहीं। टैटू में दर्द होता है यार। अच्छा, तो इसका मतलब लड़की का नाम परमानेंट नहीं लिखवाना आपको? अपना काम कर समझी। ए, ऐसे साइलेंट फिल्मों की तरह देखती रहेगी ना तो तेरा नंबर कभी नहीं आने वाला। और वैसे भी अब दादा को प्रपोज करके कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्यों मतलब? मेरे दादा इतने स्मार्ट हैं, कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर बना लेंगे कॉलेज में। मैं ना तेरे दादा से कभी नहीं कह पाऊंगी, मुझे ना तेरे दादा से बहुत डर लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। देख, ए, इतना ही डरती है तो प्यार क्यों करती है? फ्लॉप है तू। दामिनी बेटे, मुझे तेरे इंटरनेट से थोड़ी जानकारी चाहिए। बाबा, इन्फॉर्मेशन तो निकाल कर दूंगी, लेकिन पहले ये कंप्यूटर तो चले। सचिन, पिछले महीने तूने उसे ठीक करवाया था ना, फिर से कैसे खराब हो गया? किसी सही बंदे को पकड़कर ठीक तरीके से सेट करवा देना। हाँ बाबा, ठीक है, करा दूंगा। अरे बाबा, करा दूंगा नहीं, अभी ले जा। आज नहीं, कल, आज कुछ अर्जेंट काम है बाबा। अरे लेकिन सुन, ए सचिन, बात करनी। ये मुकेश के साथ क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? वो तुझे हाथ लगा रहा, तूने रोका नहीं। सचिन, तुझे हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया? प्रति, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तू उस लड़के के साथ घूम रही? फालतू की बातें मत कर। हां, मुझे पता है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के साथ बात भी नहीं कर सकती, थोड़ा एंजॉय भी नहीं कर सकती। थोड़ा एंजॉय, ये पता है क्या है? ये लव है, लव जो मैं तुझसे करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि तू भी मुझसे करे। ये लव नहीं, ये मेहंदी है, तुम टैटू कराने वाले थे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, नाम तो तेरा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई, समझे? प्रति, मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया, तू मुझे हल्के में ट्रीट कर रही। मैं तुम्हें हल्का ट्रीट करवा रही हूँ सचिन? तुम्हें पता है तुम मुझे कैसा फील करवा रहे हो? जैसे कि मैं कोई चीप हूँ। जस्ट गेट लॉस्ट। चल बैठ। नो थैंक्स, वैसे भी मेरी बस आने वाली, और अगर नहीं भी आती ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठती। रति, देख, हम दोनों डिसाइड किया था कि हम दोनों एक कपल हैं, जो कि हम हैं, लेकिन अब तू अजीब सा बिहेव कर रही है। सचिन, मैंने आज दिन भर बहुत सोचा, मतलब नहीं बनना यार मुझे तेरी गर्लफ्रेंड, मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करती हूँ। मतलब मुकेश मेरा क्लासमेट और मैं उससे भी बात नहीं कर सकती। रति देख, सबसे पहले मैं हूँ, कि मुकेश गिनती में नहीं आते। ओके, मेरा और सिर्फ मेरा लव ट्रू लव, समझ इस बात को।
देखो पहली बात तो मुझे इस हैवी ड्यूटी लवशिप में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। तू क्या बके जा रही है? ये हैवी ड्यूटी लवशिप क्या होता है रे? तू कह रही तू मुझसे प्यार नहीं करती, तो गो टू हेल। मैं तुझसे ब्रेक ऑफ कर रहा हूँ। ओह रियली? तो करो ना ब्रेक ऑफ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें ना कभी भी कोई लड़की नहीं मिलेगी, नेवर। और तुम क्या मुझसे ब्रेक ऑफ करोगे? मैं खुद तुमसे ब्रेक ऑफ करती हूँ। सचिन का पिता एक मेहनती माली था जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा जुटा पा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि उसके दोनों बच्चों सचिन और दामिनी को बेहतरीन तालीम मिले और जिंदगी में तरक्की मिले। सचिन जवानी की उस दहलीज पर खड़ा था जहां कई लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन, उन्हें खोने की इनसिक्योरिटी और रिजेक्शन के दर्द से जूझते हैं। रिजेक्शन का ताजा घाव सचिन को गुस्सा और दर्द दोनों दे रहा था, उसके जज्बातों को, उसकी ईगो को ठेस पहुंचा रहा था। तुम्हें ना कभी भी कोई लड़की नहीं मिलेगी, नेवर। मुझे कोई और लड़की नहीं मिलेगी, मैं चाहूं किसी को यूं पटा लूं। रति, तुझे तुझे गलती बहुत महंगी पड़ेगी। अल्केलाइन टीनाकोल पेस्टिसाइड है, इसी से जान गई है, इससे क्लियर केस ऑफ सुसाइड। सर ये लेटर यही पढ़ा था, मैंने अभी देखा। साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब, सचिन के सोसाइटी में हमारा कोई हाथ नहीं है। पहले ये तो पता कर ले देवचंद कि ये लोग तुम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। सर ये नोट घर के बेडरूम में मिला, कंप्यूटर टेबल पर था। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, सारा दोष मेरा है, लेकिन कृपया इसके लिए मेरे परिवार को सजा मत दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, रेणुका के चाचा का लड़का कांस्टेबल देवचंद पोर्ट से और उसका भाई आलोक पोर्ट से मेरी बहन दामिनी के साथ कुछ गलत करेंगे। मैं अपनी बहन दामिनी को बचाने के लिए कदम उठा रहा हूँ, देवचंद और आलोक को सजा मिलनी चाहिए। साहब ये खोटा है, झूठ है, ये सही नहीं है। साहब साहब ये लोग दिन रात जान ले रहे थे मेरे बच्चे के, उसको इतना डरा यार, इतना सताया कि खुद उसने अपने जान दे दे। ये रेणुका कौन है? रेणुका मेरे चाचा की लड़की है साहब, इनके लड़के सचिन ने उसकी लाइफ की वाट लगा दी। सर पुलिस ने बुलाया हमें, गलती तुम सब की, रेणुका पे नजर नहीं रख सकते थे तुम? अलका तुम्हारे नाक के नीचे सामने वाले घर में हो रहा था ये कांड और तुम कुछ नहीं कर पाई। पण भाऊ मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो रहा है। इसमें रेणुका की कोई गलती नहीं है पापा, सच में वो सचिन ने फंसाया अपनी रेणुका को। रेणुका ऐसे स्ट्रेचिंग करनी पड़ी, वो अब दामिनी से मिलना था। हाँ तो नॉक करना दरवाजे पर। कुछ खाती पीती नहीं है तू? हाँ नॉक हुआ है कोई? नॉक ऐसे करते हैं। तुम्हारा ये टी शर्ट है ना, तुम पर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा थैंक यू। दामिनी। हाँ दादा। फिर खराब हो गए? फिर बंद हो गया ये कंप्यूटर, वहाँ बोर है ये आपका कंप्यूटर। बस बहुत हो गया, अब इसे अपने फ्रेंड शाम के पास ले जाऊंगा, वही ठीक करेगा इसे। मैं तो आपको कब से ही बोल रही हूँ। आज ना मैंने सचिन से कहा कि वो ना उस टी शर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहा है। रेणुका क्या होगा रे तेरा, ये कौन से जमाने में जी रही है तू, ये सब स्लो मोशन बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर क्या करूँ मैं? अरे स्टूपिड पास जा, बोल कि तुझे बाइक पे राइड चाहिए, थोड़ा ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर, तभी तो दादा तुझे नोटिस करेंगे। वैसे भी अभी तो तूने दिखती भी नहीं है, बच्ची समझते हैं तुझे, समझे कुछ? क्या सचिन मुझे आई के लिए मार्केट से कुछ लेकर आना है।
तुम मुझे लिफ्ट दोगे प्लीज? साथ बीच पे चलेंगे, कुछ खाते पीते, थोड़ा टाइम पास करेंगे। सचिन, मैं दामिनी को लेकर बाजार जा रही हूँ, 7 तक लौटूंगी। मच्छी कड़ी बना के रखिए, खा लेना और थोड़ी बचा के भी रखना, समझा क्या? हाँ समझा। जी के साथ खेल रहा था साहब, बहुत पूरी तरह से खेल रहा था। बच्ची है हमारी रेणुका, मासूम है, फायदा उठा है उसका, खराब कर दिया उसे, इस्तेमाल किया उसने। साहब मेरी चचेरी बहन रेणुका नाबालिग है और उस लड़के ने उसके साथ वो कैसे बोलूं साहब, उस सचिन ने हमारे रेणुका के साथ बहुत गंदे गंदे वीडियो निकाले साहब और उन्हें इंटरनेट पर डाल दिया साहब। नहीं नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है, मेरे लड़के ने ऐसा नहीं किया है। जो हुआ वो तो गलती तो थी, पर जो हुआ उसके लिए सचिन जिम्मेदार नहीं था, उसे तो पता भी नहीं था साहब कि ऐसा कुछ हुआ है। और हमने कबूल किया था कि हम गलती सुधारेंगे। गलती सुधारेंगे मतलब? हाँ साहब, लेकिन इनकी धमकियां कभी रुकी नहीं, हमेशा उसे डराते रहे कि दामिनी के साथ कुछ गंदा करेंगे। एक भद्दा अश्लील MMS इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, ये किसकी हरकत थी और कैसे मुमकिन हुई? सबसे पहला सवाल यह उठ रहा था कि सचिन ने रेणुका के साथ ऐसा क्यों किया था और वो कौन सा उपाय था जिससे गलती को सुधारने की बात हो रही थी। सावंतवाड़ी गई है। क्यों गई है? किसके साथ गई है? अबे वो साइको, अपनी फैमिली के साथ गई है, उसके किसी रिश्तेदार की शादी है। सचिन कहाँ थे तुम, मुझसे मिले क्यों नहीं? बिजी था। मन भर गया है मुझसे, छोड़ना चाहते हो या कोई और लड़की? रेणुका मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे और परेशान मत करो, पर मेरा पीछा करना बंद कर दो।
कभी भी कोई लड़की नहीं मिलेगी, नेवर। देख, दिखाता हूँ तुझे। रति, तूने बोला था ना कि मुझे कोई और लड़की कभी नहीं मिलेगी। हाँ, और फिर से कह रही हूँ, कभी नहीं मिलेगी। रुक, कुछ दिखाता हूँ तुझे। मुझे तुझसे बेटर लड़की मिली और देख उसने मेरे साथ क्या किया, दिखाता हूँ। दिखा ना। सचिन, ऐसे कुछ नहीं है, मैं बस जेलस फील कर रहा था तो सोचा तुझे जलाऊं। मैं तुझे कभी नहीं बुला सकता। आई लव यू, आई रियली लव यू। आज तुम नहीं समझ रही हो लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। रेणुका, सॉरी, मैं तुमसे लव नहीं करता। दरअसल मेरा असली प्यार मेरे कॉलेज में, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बस हो गया। बस सचिन, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये सच है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया बस उस लड़की को जलाने के लिए। सॉरी रेणुका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे बीच जो कुछ हुआ कभी किसी को पता नहीं चलने दूँगा। और मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया, सच देवा शपथ। फिर से ये डब्बा बंद हो गया है। अरे सचिन, सचिन कस ले रहे नाटक, आओ। रोज रोज कैसे बंद होता है, एक बार अच्छे से ठीक करा देना। मैं इसे आज ही शाम के पास ले आऊंगा। आज नहीं, अभी। जबरदस्त वायरस है रे। शाम कुछ करना, हर तीसरे दिन बंद पड़ जाता है, बूट होता ही नहीं। ये मर चुका रे, इसको अब ट्रांसप्लांट चाहिए। देख, एक तो रैम बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा नया हार्ड डिस्क डाल देते, तब इसका कुछ हो पाएगा, वरना कोई चांस नहीं। मेरे ऐसा मत बोल, अभी के लिए कुछ कर देना, नया हार्ड डिस्क वगैरह बाद में देखेंगे। अभी कभी कुछ नहीं हो सकता, पूरा खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कल शाम तक सेट करता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, थैंक्स। ये तो अपनी रेणुका है। सचिन ने MMS को अपने मोबाइल फोन से तो डिलीट कर दिया था, लेकिन उसने जो बैकअप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर किया था, उस बैकअप को वो डिलीट करना भूल गया था। अब ये अश्लील वीडियो कंप्यूटर रिपेयर करने वाले श्याम के हाथ लग गया था, और अपने विकृत मनोरंजन के लिए श्याम ने इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, और चंद सेकेंड्स में ये वीडियो वायरल हो गया, यानी कि लाखों की तादाद में दुनिया के हर एक कोने में फैल गया। अल्ला राला, फिल्म हीरो, पॉर्न स्टार।
गणेश, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? देवचंद, वो इंटरनेट पर एक नया वीडियो आया है। कैसा वीडियो? कोई खून मर्डर का है क्या? नहीं रे, तेरी बहन रेणुका का। क्या? रेणुका का वीडियो? कैसा वीडियो? XXX। बे गणेश, मुंह संभाल के बात कर, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? अरे माँ कसम सच बोल रहा हूँ यार, मुझे मालूम था तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो तेरा पड़ोसी है ना, सचिन रोइकर, उसी के साथ। देख 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 देख, दवाई चला के नालायक। बाबा बच्ची है अपनी रेणुका, सिर्फ 16 साल की है, उस कुतरा सचिन ने इसे फंसाया होगा। अभिराम, अभिराम, तेरा बेटा सचिन कहाँ? क्या बात है नरेंद्र, और तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? सचिन, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग जो कह रहे हैं वो तूने किया? देवा शपथ, मैंने वो वीडियो इंटरनेट पे नहीं डाला बाबा। लेकिन तूने रेणुका के साथ ये सब किया है, साउंड दिख रहा है सब? अरे साउंड दिख रहा है, मैं हाथ में मेरी बात सुनो, चलो बात सुनो, अरे मारो मत, मारो बेटे को, मारो मत, सुनो मत, ये सिखा था बच्चे। अभिराम, मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी, मेरा भाई मर गया लेकिन मैं जिंदा हूं, याद रखना। अब देख देख तेरे खानदान के हम लोग कैसे खटिया खड़ी कर देते हैं। चले जो हुआ है वो बुरा हुआ है, बेटी रेणुका का नाम खराब हुआ है और इसका जल्द से जल्द कोई उपाय निकालना ही होगा। पंचों ने फैसला किया है कि सचिन रेणुका से शादी करेगा। जो गलती मेरे बेटे ने की उसके लिए मैं पंचों से और पोत्से परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और हमें पंचों का निर्णय स्वीकार है, सचिन रेणुका से ही शादी करेगा। अभिराम और उसका बेटा एफिडेविट साइन करेंगे, और उन्हें ये वादा भी करना होगा रेणुका के बालिग होते ही सचिन की उसके साथ शादी करवा दी जाएगी। तुमसे लव नहीं करता, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया बस उस लड़की को जलाने के लिए। हमने हमारे बेटे की गलतियां सुधारने की बहुत कोशिश की साहब, हमें पता था वो गलत है लेकिन वो बह गया था साहब, उसे पता नहीं था वो क्या कर रहा है, उसे अपने किए पे पछतावा था साहब, लेकिन इन लोगों की धमकियां रुकी नहीं रही थी, बहुत बुरा हाल कर दिया मेरे बच्चे का। अलग लगेगा बाबा, यहाँ बैठे बैठे कब तक सोचता रहेगा तू? धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं किसी से आंख नहीं मिला सकता है।
हर दिन दिल करता है कि आके तेरी मुंडी काट दूँ साले, लेकिन हमारी बहन की इज्जत के कारण चुप है। अगर कभी भागने की कोशिश की या रेणुका को दगा देने की कोशिश की तो तूने जो हमारी बहन के साथ किया है ना, हम वही तेरी बहन दामिनी के साथ करेंगे। याद रखना ये बात। मैं रहती के पीछे पागल हो गया था ही। मैंने रेणुका के साथ वो सब कुछ किया उसे जलाने के लिए। मैंने वो एमएमएस डिलीट कर दिया था ही। मैंने रेणुका से कई बार माफी भी मांगी। मुझे अपनी गलती का एहसास था ही। बस कंप्यूटर से इस वीडियो को डिलीट करना भूल गया। मैंने एक गलती की, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हुआ। मैं कभी रेणुका को बदनाम नहीं करना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था। तुझे पता ही। देख बेटा, जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते ना। अब आगे की देख। पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे लिए। बुरी यादें भूलने की कोशिश कर बेटा। मुझे लगा मैंने मेरे बेटे को हिम्मत दी, उसको भरोसा दिया, लेकिन इन लोगों की धमकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी साहब। मुझे नहीं मालूम था मेरे बेटे को रोज इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था साहब मेरा बेटा इतना मायूस हो जाएगा। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, सारा दोष मेरा है। लेकिन इसके लिए मेरे परिवार को सजा मत दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। रेणुका के चाचा का लड़का कांस्टेबल देवचंद पोर्ट से और उसका भाई आलोक पोर्ट से मेरी बहन दामिनी के साथ कुछ गलत करेंगे। मैं अपनी बहन दामिनी को बचाने के लिए कदम उठा रहा हूँ। देवचंद और आलोक को सजा मिलनी ही चाहिए। रेणुका के चचेरे भाइयों द्वारा सचिन को दी गई धमकियों का कोई भी ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिला। इन्फैटुएशन, जलन, इनसिक्योरिटी और सिंपल इमैच्योरिटी की चौखट पर एक जवान जिंदगी की बलि चढ़ी। सचिन को अपने किए पर सच्चा पछतावा था, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो एमएमएस की बैकअप कॉपी अपने कंप्यूटर से डिलीट करना भूल गया था और इससे उसकी भूल 10 गुना ज्यादा गंभीर हो गई। कंप्यूटर रिपेयर करने वाले ने विकृत मजे के लिए इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और उसकी इस हरकत ने दो जाने बर्बाद कर दी। सचिन ने आत्महत्या की और रेणुका भी काफी डिप्रेशन में रही। क्या ये सब होना जरूरी था? क्या प्यार में ये जलन, इनसिक्योरिटी, ये कंपटीशन जरूरी है? बेशक हर युवक ऐसा नहीं सोचता, लेकिन अक्सर जवानी के जोश में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खोना ये बहुत कॉमन है और प्यार में रिजेक्शन का बदला लेने की भावना भी बहुत कॉमन है और ऐसे हालात में मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल। लेकिन हाई स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलिंग काफी हद तक मदद कर सकती है। हम देखते आ रहे हैं कि एमएमएस स्कैंडल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ज्यादातर यंगस्टर्स इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बड़ी आसानी से ये उपलब्ध भी है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि लव अफेयर्स के टूटने को दस्तक समझा जाए और बाद के साइबर वर्ल्ड में पहुंचने से पहले ही मामले को सुलझा दिया जाए। बेहद जरूरी हो जाता है कि युवा पीढ़ी को बार बार समझाया जाए कि प्यार चंद मिनटों की तृप्ति नहीं है। प्यार में एक रिजेक्शन जिंदगी का रिजेक्शन नहीं है। उन्हें समझाना होगा कि वो हमेशा लार्जर पिक्चर को ध्यान में रखें, जिंदगी को समझदारी से बसर करने की कोशिश करें। कुमार अवस्था में अक्सर सारी हरकतें जायज लगती हैं, मजा भी आता है। असर के बाद ही एहसास होता है कि गलती कितनी बड़ी थी और तभी गलती की गंभीरता समझ में आती है। अतीत को बदलना नामुमकिन है, लेकिन उससे सीखना और गलतियों को ना दोहराना ये तो बिल्कुल मुमकिन है। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इंसान अपने जुर्म को लाख छुपाने की कोशिश करे, जुर्म की निशानियां, उसके धब्बे मिटाए नहीं मिटते।
सारे सबूत मुजरिम के दरवाजे पर दस्तक देने लौट आते हैं। नमस्कार सर, मैं आती हूँ। हाँ प्रजापति, आओ। सहकार पुलिस स्टेशन से केस की फाइल मेरे पास आ गई है, मैंने पढ़ ली है। लेकिन सर, इस केस में अब तक कोई अपडेट नहीं है। सहकार नगर पुलिस कहती है ये एक्सीडेंटल डेथ या शायद मेरी बेटी दिव्या ने सुसाइड किया था। पर साहब, मैं मेरी बेटी दिव्या को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। नहीं साहब, कदीस नहीं, वो बहुत मजबूत लड़की थी साहब। प्रजापति, आप डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आपको तो मालूम है कि कभी कभी तहकीकात में टाइम लग जाता है, गलतियां हो जाती हैं। अब आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे न्याय दिलाइए साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उसे मारा गया है साहब। उसके गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़वाइए साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। कहीं तेरी करा से कुछ तो कीजिए। बदलो जरा, बदलो। प्रजापति साहब, क्या हुआ था? मैं लगभग 12:30 बजे घर लौटा, बेल बजाई पर कोई जवाब नहीं आया। दिव्या, ए दिव्या, सो गई क्या? अरे देख कितनी मस्त भाजी मिली आज बाजार में। दिव्या, ए दिव्या, मैंने तुरंत आपको फोन किया पुलकर साहब। घर में सिर्फ आप दोनों रहते हो, आप और आपकी बेटी? हो साहब। सर, घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा हो ऐसा तो कोई निशान नहीं मिला सर। चोरी? लगता तो नहीं सर, कपबोर्ड खुले हैं लेकिन ज़बरदस्ती तोड़ के नहीं खुले गए। प्रजापति साहब, जरा आप देखें घर में कोई चीज़ चोरी हुई है या नहीं। मैंने आते ही दिव्या का मोबाइल ढूंढा, सोचा शायद किसी से बात हुई होगी, कोई आने वाला होगा, पर मोबाइल नहीं मिला, कपबोर्ड खुला था और गहने गायब थे। नहीं साहब, मैंने किसी भी अजनबी को प्रजापति जी के घर जाते नहीं देखा। लेकिन कॉलोनी के पीछे से जो एंट्रेंस है, हो सकता है वहाँ से कोई आया हो। वहाँ से कोई नहीं आता। लेकिन आ तो सकता है? हाँ साहब, आ तो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं अकेला यहाँ मेन गेट पर रहता हूँ। अच्छा, तुमने कोई आवाज़ें सुनी है, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ है? नहीं साहब। पहले सरकार नगर सिक्योरिटी एजेंसी गया, उन्होंने कुछ नौकरी की बात की थी, वहाँ से मैं बाजार गया, तरकारी खरीदी और लगभग 12:30 बजे मैं घर लौटा। प्रजापति जी सुबह 9:30 बजे गए थे यहाँ से। नमस्ते साहब। अरे नारायण, कैसे हो, सब ठीक? हाँ साहब। अरे साहब, आज सुबह सुबह पुलिस फोर्स से रिटायर होकर घर में नहीं बैठ सकता, कुछ काम वाम तो करना ही पड़ेगा। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की नौकरी की बात चल रही है, देखता हूँ क्या होता है। आपका काम होगा ही होगा, बेस्ट लक। थैंक यू। और फिर प्रजापति जी 12:30 को लौटे। और विक्टिम की तरफ से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। मौत का समय 10:30 से 11:30 के बीच, दुपट्टा में गले पर लिपटा मिला। डॉक्टर, सुसाइड के क्या चांसेस है? लगता तो नहीं है लेकिन पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते।
सर फोन स्विच ऑफ है और लोकेशन अनट्रेसेबल। आखिरी कॉल दुबई से था, वो भी देर रात को। मेरी बेटी का मंगेतर दुबई में रहता है, रवि नायर। सर बाकी के सारे कॉल चेक किए, ऐसा कोई कॉल नहीं है जो नॉर्मल से हटके है। सर एक नंबर मुंबई का है, उसकी बहन का, उसकी छोटी बहन। धनश्री मेरी छोटी बेटी। एक काम करो, कवरियों को एक्टिवेट कर दो और ये फोन का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। ओके सर। बॉडी आपको कल मिलेगी प्रजापति साहब। तारीख की दोपहर को एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बेटी रहस्यमय हालत में मृत पाई गई। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे सिवाय इसके कि मृत का मोबाइल फोन और गहने घर से गायब थे। ना तो घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान मिले थे और ना ही बिल्डिंग में किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। ये मौत शंकास्पद होने के बावजूद सुसाइड का केस लग रहा था, लेकिन मृत के पिता इस सुसाइड थ्योरी को पूरी तरह से नकार रहे थे। पुलेकर साहब, मुझे लगता है आपकी तहकीकात ढीली है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। प्रजापति साहब आप शांत रहिए, देखिए आप हमारे डिपार्टमेंट से, आपके लिए हम नॉर्मल से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, कुछ खास निकल नहीं रहा है इस इन्वेस्टिगेशन से, कोई एंगल बन नहीं रहा है सुसाइड के अलावा। मोबाइल और गहने गायब है तो क्या खास सुसाइड? कोई अपना मोबाइल और गहने ठिकाने लगाकर अपनी जान क्यों लेगा? पुलेकर साहब, दिव्या मेरी बेटी मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ थी। साहब 5 महीनों से हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, रोज कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पर साहब इन्वेस्टिगेशन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। मैंने अपने जिंदगी के 40 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं साहब, मेरा ऑफिसर रिकॉर्ड देखिए, कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है, जान लगाकर ड्यूटी की है साहब मैंने। प्रजापति जी आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? मैं आपको सालों से जानता हूँ। पिछले 5 महीनों में 7 बार मैं आपके पास आकर गया हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ साहब, मेरा एक केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दीजिए। लोकल पुलिस ने मेरे बेटी के मंगेतर रवि नायर को एक बार भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। मैं फिर से कहता हूँ साहब, मेरी बेटी दिव्या ने सुसाइड नहीं किया है साहब, उसका मर्डर हुआ है साहब, उसका मर्डर हुआ है। सरकार नगर पुलिस स्टेशन की रवि नायर से बात हो चुकी है, दिव्या की छोटी बहन धनश्री उससे भी बात हो चुकी है, धनश्री का पति वसंत दामले उससे भी। रवि नायर LLP केरला से बिलोंग करता है, दुबई के ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी में काम करता है। धनश्री कल्याण मुंबई में रहती है अपने पति वसंत दामले के साथ, शादी 2005 में हुई थी। वसंत दामले फिल्म इंडस्ट्री में लाइट सप्लाई करने का काम करता है। 5 महीने जाले दिव्या का सेल अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है और ज्वेलरी भी मिसिंग है। सर ये अजीब है, दिव्या की माँ मीनाक्षी सिन्नर में रहती है, अपने पति सुरेंद्र प्रजापति से 2 साल पहले अलग हुई थी 2010 में, यहाँ तक कि दिव्या के अंतिम संस्कार के वक्त भी नहीं आई थी। इस सुरेंद्र प्रजापति से मिलना होगा।
मैंने रसोई में तरकारी रखी और फिर बेडरूम में दिव्या की लाश पड़ी देखी। प्रजापति साहब, अगर आपकी बेटी का मर्डर हुआ है तो कोई तो घर के अंदर दाखिल हुआ है, या फिर दिव्या ने खुद दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर लिया है। हाँ, वही हुआ है। हत्यारा दिव्या के जान पहचान वाला था। मुझे पहले दिन से रवि नायर पर शक था, दिव्या का मंगेतर। क्यों? 11 साल, पूरे 11 साल वो मेरे बेटी को गोल गोल घुमाता रहा। शादी का वादा किया लेकिन शादी नहीं करता था। पर रवि दिव्या को क्यों मारेगा? दिव्या का किसी के साथ बैर नहीं था, किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं था, फिर कोई ऐसी दुश्मनी क्यों निकालेगा? रवि और दिव्या के बीच कोई झगड़ा चल रहा था? वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर दिव्या काफी परेशान रहती थी। प्रजापति साहब, आपकी बीवी मीनाक्षी प्रजापति 2 साल पहले आपको छोड़कर चली गई। शादी के 44 साल के बाद माजरा क्या था? 44 साल में हम दोनों की कभी नहीं बनी, बस जैसे तैसे निभा रहे थे। 2 साल पहले वो मुझे छोड़कर अचानक चली गई। उसके बर्ताव को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं कैसे वैसे संभाल रहा था। और अचानक एक दिन बिना किसी कारण के मीनाक्षी मुझे छोड़कर चली गई, 44 साल बाद। दिव्या को उसने इस दुनिया में लाया, लेकिन उसे विदा करते वो नहीं आई। सर, साकर नगर पुलिस ने जनवरी में दिव्या के सेलफोन की IMEI ट्रैकिंग शुरू की थी, अभी तक ट्रेस हुआ नहीं है। फोन मिसिंग है, ज्वेलरी मिसिंग है, मतलब कातिल दिव्या के पहचान वाला था। पर हम तब ये मानकर चल सकते हैं जब हम श्योर हैं कि ये मर्डर है और सुसाइड नहीं। फोन और ज्वेलरी मिसिंग होने से सुसाइड से फोकस शिफ्ट हो रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये केस मर्डर से कुछ ज्यादा लग रहा है, दूसरा कोई एंगल नजर नहीं आ रहा। और एक एंगल है, लड़की की माँ 44 साल के शादी के बाद प्रजापति को छोड़कर चली गई और अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में भी वो आई नहीं। ये एक बहुत बड़ा एंगल है। एक काम करो, दिव्या की छोटी बहन धनश्री और उसके पति को पुलिस स्टेशन बुलाओ, और उस रवि नायर उसको भी दुबई से बुलाओ। यस सर। मीनाक्षी प्रजापति उसे भी पुलिस स्टेशन बुलाओ। सुरेंद्र प्रजापति एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के जोर देने पर दिव्या प्रजापति के केस में क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व किया गया। क्राइम ब्रांच एक सिंपल थ्योरी लेकर इस केस में कूद पड़ी कि यह केस हत्या का है और तब तक हत्या का माना जाएगा जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है। क्राइम ब्रांच इस केस में मौजूद हर सुराग की कड़ी को जोड़कर इस केस में एक नए एंगल को सामने लाने लग गई थी। जी हाँ, रवि नायर हमारे यहाँ काम करते हैं। बात करो। ये लेकिन वो तो छुट्टी पर है, इंडिया गए हुए। घर का एड्रेस दीजिए प्लीज। जस्ट होल्ड ऑन। लेकिन रवि तो बहुत प्यार करता था दिव्या ताई से। लेकिन आपके पिताजी तो बता रहे थे कि रवि शादी करने से मना कर रहा था, इसलिए दिव्या बहुत डिस्टर्ब थी। बाबा ने ऐसा बोला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता साहब। धनश्री, हो सकता है तुम्हारे बाबा ने ये बात कभी किसी को बताई नहीं। वसंत जी, आपको पता है इसके बारे में? हाँ, दरअसल वो अपनी परेशानियां हमेशा मेरे साथ शेयर करते हैं। आपकी आई आपके बाबा को शादी के इतने सालों के बाद छोड़कर चली गई, बता सकती है क्यों? मेरी शादी 26 की उम्र में हुई साहब, तब तक मैंने अपने बाबा और अपनी आई को एक बार भी प्यार से बात करते हुए नहीं सुना, उसके बाद भी नहीं। मैंने और दिव्या ताई ने हमेशा बाबा और आई को लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा। आई अगर कभी कभी सामने से जवाब दे देती तो बाबा और ज्यादा गुस्सा करते। बाबा आई को हर बात में सवाल पूछते थे, उन पर शक करते थे, मारते थे, पीटते थे। कभी कभी आई कंट्रोल में रहकर जवाब देती थी तो कभी चिल्लाकर। मुझे और दिव्या ताई को ऐसा लगता था जैसे हमारा घर घर नहीं पुलिस स्टेशन हो। तुम्हारी आई तुम्हारे बाबा को छोड़कर चली गई और इस तरह से चली गई कि अपनी बेटी दिव्या के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। आई थक चुकी थी साहब, वो बाबा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, और अगर दिव्या ताई के अंतिम संस्कार में आती तो बाबा से उनका सामना हो जाता। रवि केरला में है LFP। और मीनाक्षी? उन्होंने यहाँ आने से साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, उनसे मिलने हम लोग चले जाएंगे। सर, सुरेंद्र प्रजापति का वर्क रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन घर में कितनी गंदगी। आए दिन अपने पत्नी को मारता था। रवि नायर का सेलफोन काम नहीं कर रहा है सर। एड्रेस है उसका? यस सर।
मीनाक्षी प्रजापति घरी आहेत का? काय झालं? मारी पोलिसांना काय काम आहे तुमको? मीनाक्षी जी, शादी के 44 साल के बाद आपने आपके पति सुरेंद्र प्रजापति को छोड़ दिया, क्यों? उसे और सहा नहीं जा रहा था, वो घर घर नहीं, नरक है। उसमें आपकी बेटियां भी तो रहती थी। मीनाक्षी जी, दिव्या के अंतिम संस्कार में भी आप नहीं आई थी। मेरे आने से वो जिंदा हो जाती, नहीं ना? मीनाक्षी जी, दिव्या आपकी बेटी थी, आपका अपना खून। जब वो घर छोड़ा तब मैंने वहां की सारी यादें, सारे रिश्ते छोड़ दिए। मुझे वहां का कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। और वैसे भी रोज की मार और गंदी गालियों के अलावा मुझे मिलता भी क्या था? हर बात पर सवाल जवाब। मीनाक्षी जी, क्या दिव्या को आपने मरवाया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अगर मैंने जिंदगी में कोई समझदारी का काम किया है तो वो ये कि मैंने सब कुछ अपने दोनों बेटियों के नाम कर दिया था। बहुत बड़े टॉप के पुलिसमैन समझते थे ना अपने आप को। उनके नाक के नीचे मैंने दो दो प्रॉपर्टीज खरीदी, एक पुणे में और एक मुंबई मीरा रोड पे। दोनों पर सिर्फ मेरा नाम था। मैंने दोनों घर अपने बेटियों के नाम कर दिए हैं ताकि उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी जैसे नरक ना बने। अगर गलत पति मिले तो उसे छोड़ने की पहले से ही हिम्मत रखे। मैं दिव्या को मरवाऊंगी, मां हूं उसकी। मैं जान अटकी थी मेरे, मैं कहती हूं जाइए, उस जालिम जानवर को पकड़िए, मेरे पति को। उसने उसको मारा होगा, पीटा होगा, गालियां दी होगी, बेचारी सहन नहीं कर पाई होगी, तभी तो उसने सुसाइड की होगी। मेरी बेटी के सुसाइड में इसी का हाथ है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, इंसानियत नहीं है उसमें। सुरेंद्र प्रजापति रवि नायर पर उंगली उठा रहे हैं और मीनाक्षी सुरेंद्र पर इल्जाम लगा रही है। सर, सुसाइड का केस तो नहीं लग रहा है। मैंने दुबई में रवि नायर की कंपनी के एचआर मैनेजर से बात की। उसने कहा कि जनवरी 2012 में रवि ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी और उस एप्लीकेशन में लिखा था कि वो जून में शादी करने वाला है। दिव्या से शादी करने वाला था? शायद सर। शायद हाँ या शायद ना। जेठा, पुलिस आई है आपसे मिलने। पुणे से पुलिस आई है। पुलिस? मैंने दिव्या को फोन किया था सर, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। मैं रोज दिव्या से बात किया करता था क्योंकि सर मैं उसे प्यार करता। आपकी लव स्टोरी तो बड़ी लंबी खींची मिस्टर नायर। अब दिव्या को 2001 में मिले थे, पूरे 11 साल। इतने सालों में आपने शादी क्यों नहीं की? शादी तो मैं कब की कर लेता सर, लेकिन दिव्या के फादर वो शादी के लिए एग्री नहीं थे। ए, चल चल, फुट जा सा फुट, मुंह मत दिखाना मुझे कभी। सर, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब है, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ए, शट अप, शट अप, निकल इधर से, चल निकल। आभा सुन के तो लीजिए। क्या सुन के लूं? किसकी सुन के लूं? तेरी सुन के लूं? इसकी सुन के लूं? तुम लोगों की गंदगी सुन के लूं? ए, एक बात ध्यान में रख, आइंदा तेरे बारे में एक लफ्ज भी सुना ना
तो 6 के 6 गोलियां तेरे खोपड़ी में डाल दूंगा और इन काउंटर बता के निकल जाऊंगा, समझा? जल्दी कर इधर से। उसके बाद दिव्या ने अपना घर छोड़ दिया और मेरे पास आके रहने लगी। लगभग 6 महीने हम एक साथ रहे, एक ही घर में। तो उसके बाद दुबई में मेरा जॉब लगा। तुमने शादी क्यों नहीं की? दिव्या अपने फादर से नाराज तो थी, लेकिन वो उनके खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी। जैसे भी थे, वो दिव्या के फादर थे। फिर सर मैं दुबई चला गया। हालांकि दिव्या की मदर का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा और एक टाइम के बाद तो उसके फादर भी एग्री कर गए, लेकिन मैं ही अपनी जॉब में इतना बिजी हो गया, मेरे पास छुट्टियां भी कम थी, ना तो मैं इंडिया वापस आ सका सर और ना ही दिव्या को अपने पास बुला सका। लेकिन हमारा प्यार बरकरार था, हम रोज़ फ़ोन पर बात किया करते थे, फ्यूचर के प्लान्स बनाया करते थे सर, कब सेटल होंगे, कब शादी करेंगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने शादी के लिए फिक्स भी किया। दिव्या 11 साल निकल गए, ऐसा लगता है हम कल ही मिले थे। आज भी वही एक्साइटमेंट, वही प्यार। सच रवि, कैसे इतना लंबा वक्त गुजर गया ना, पता ही नहीं चला। दिव्या, क्या आज भी तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो? मुझे ये पूछना ज़रूरी था। था दिव्या, मैं थक गया ऑफिस इंतज़ार से। सोचता हूँ कि शादी कर लेते हैं। करोगी? रवि, इतने साल से मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। अच्छा तो जून 2012 पक्का करते हैं। मैंने जून में 2 महीने की छुट्टी ली है, डेट तुम फिक्स कर लेना, बाकी का सब काम मैं फिक्स कर लूँगा। अच्छा, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? केरला मत बोलना प्लीज। वो मेरी लाइफ थी सर, मेरी जिंदगी। ये सुरेंद्र प्रजापति कह रहा है कि रवि उससे शादी नहीं कर रहा था इसलिए दिव्या परेशान है। रवि ये कह रहा है कि वो दिव्या से शादी करना था इसलिए 2 महीने की छुट्टी लेके दुबई से यहाँ आ गया। समझ में नहीं आ रहा सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। रवि के सारे फोन कॉल्स, बैकग्राउंड, सारे डिटेल्स चेक किए मैंने, उसका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता। उसकी दूसरी बेटी धनश्री, उसकी क्या स्टोरी है? सर, शुरू में प्रजापति को उसका पति वसंत दामले पसंद नहीं था, लेकिन बाद में उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये प्रजापति जल्लाद मालूम पड़ता है, बुरा बाप, बुरा पति, क्रूर, अपने पत्नी को मारने वाला। राघव, ये सच है या हमारे सामने उसकी इमेज ऐसे तैयार की जा रही है? शायद सच हो सर, लेकिन एक डाउट है, अगर प्रजापति इतना बुरा है तो बेटी बाप के साथ क्यों रह रही है, माँ के साथ क्यों नहीं गई? जबकि माँ ने दोनों प्रॉपर्टीज अपनी बेटियों के नाम पर की है, बाप के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। राघव, मामला कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जैसे इस केस के अलग अलग पहलू सामने आ रहे थे, पता चल रहा था कि केस काफी गांठों में बंधा हुआ था। क्राइम ब्रांच के समक्ष एक ऐसे परिवार की तस्वीर पेश की जा रही थी जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सुरेंद्र प्रजापति पर उंगलियां उठ रही थी कि उसी के कारण दिव्या ने आत्महत्या की है, लेकिन सुरेंद्र प्रजापति इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसकी बेटी की हत्या हुई है। अब सवाल यह था कि क्या ये मर्डर क्रिमिनल केसेस और इन्वेस्टिगेशन से भरे दिमाग की कल्पना थी या फिर ये केस वाकई में एक हत्या का केस था? जयकर साहब, थोड़ा लॉजिक और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। अगर मैं बुरा बाप हूँ, बुरा पति हूँ, तो मेरी बेटी मेरे साथ क्यों रहती थी? उसकी माँ जब मुझे छोड़कर चली गई, उसके साथ क्यों नहीं गई? और दूसरी बात, मैं भी सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ, मेरी पूरी लाइफ इन्वेस्टिगेशन में गई है, और मेरे जैसे आदमी के पीठ पीछे मेरे बीबी ने 2-2 प्रॉपर्टीज कर दी सिर्फ अपने नाम पर, वो भी मेरी कमाई से। बात सही है सर, 17 जनवरी को सुरेंद्र प्रजापति साहब का इंटरव्यू था, हम उन्हें सिक्योरिटी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए कंसीडर कर रहे थे, एक बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनी के लिए। कितनी देर रुके थे वो यहाँ पर? 10 बजे के आसपास आए थे और तकरीबन 1.5 घंटे तक इंटरव्यू की बात चली, उसके बाद वो 11:30 बजे तक चले गए। तुम लोग सुरेंद्र प्रजापति को कैसे जानते? सालों से जानते सर, जब वो आपकी तरह ऑफिसर थे तब से। देखिए प्रजापति साहब, हम हर एंगल टटोल कर देख रहे हैं, लेकिन मर्डर का षड्यंत्र ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। गहने और मोबाइल गायब है, ऊपर से लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ है।
फिर ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? मानता हूँ कि गायब गहने और मोबाइल मर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखिए घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं, ना ही दिव्या ने अपने आप को बचाने की कोई कोशिश की। तो मतलब आप लोग भी ये कह रहे हैं कि सुसाइड है? नहीं सर, प्रजापति सर सीधे 12:30 को ही आए, मैंने वो दूसरे पुलिस वालों को भी बोला था जो पहले आए थे। लेकिन अगर मैं पीछे के गेट से दाखिल होता हूँ तब तो तुम्हें पता नहीं चलेगा? हाँ साहब, पता तो नहीं चलेगा, लेकिन प्रजापति सर ऐसे आदमी नहीं है जो कभी भी पीछे के गेट से घुसे, वो शेर आदमी है। जयकर साहब, मैं बार बार ये कहते रहूंगा, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और वो रवि नायर उसके पीछे है। बस आप लोग ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। मैंने सबके सेलफोन लोकेशन ट्रेस किया, सुरेंद्र प्रजापति, रवि नायर, मीनाक्षी, धनश्री उसका पति, इनमें से कोई भी पुणे के गणेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद नहीं था। घर में फोर्स एंट्री नहीं हुई है, और अगर ये मर्डर है तो ये किसी अजनबी का नहीं, पहचान वाले का काम है। दिव्या ने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सर मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि ये सुसाइड का ही केस है, बस प्रजापति साहब थोड़ा सा बहक गए। 40 साल पुलिस में काम करने के बाद हर चीज़ को शक की नगर से देख रहे हैं, या शायद कोई अलग एंगल ढूंढ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर मर्डर की थ्योरी आगे बढ़ा रहे हो। फिर मोबाइल और गहने गायब क्यों हैं? अरे दिलीप, ये वाल नहीं, ये वाल लगा, वो शॉर्ट है, लगा। हाँ चल, चल। दादा कुछ हुआ क्या? नहीं रे, जब होगा बोलूंगा तुझे, बार बार वही बात पूछना नहीं, बोला ना तेरे को, चल जा। हेलो धनश्री, कशी आहेस ग? आई हो ग बाळा, मी तुझी आई बोलती है, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना मैं दिव्या से भी करती थी। पता है आई? बेटा मुझे किसी बात के लिए दोषी मत ठहराना, मैंने वही किया जो जो मुझे करना चाहिए था। हत्या या आत्महत्या, पिछले 6 महीने से केस इन दो ऑप्शंस के बीच त्रिशंकु की तरह लटक रहा था। जनवरी 2012 से लेकर जुलाई 2012 तक यह केस वहीं अटका रहा, क्योंकि एक बाप अपना इरादा पक्का कर चुका था कि इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना ही है। और फिर अचानक इस केस में एक ऐसा मोड़ आया कि एक पूरा नया मोर्चा खुल गया। सर, सर वो दिव्या प्रजापति का फोन जो मिसिंग था, जिसका IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाला हुआ था, क्या हुआ उसका? सर वो फोन स्विच ऑन हो गया। कहा? कोल्हापुर। ब्रांच को तुरंत इन्फॉर्म करो। सर, दिव्या का मिसिंग सेलफोन कोल्हापुर में स्विच ऑन हो गया। कोल्हापुर पुणे से लगभग 218 किलोमीटर दूर है। राघव, ये केस जो कुछ भी है, सुसाइड का नहीं है। 6 महीनों से रडार से बाहर रहा दिव्या का मोबाइल फोन आखिर मिल गया। क्या ये सुराग एक परफेक्ट क्राइम का पर्दाफाश करने जा रहा था, या फिर इस फोन का मिलना भी एक सोची समझी चाल थी ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और गुमराह हो सके। इंसान अपने जुर्म को छुपाने की लाख कोशिश करे, लेकिन उस जुर्म की निशानी, उसके धब्बे मिटाए नहीं मिटते। वो लौट आते हैं, वो सारे सबूत मुजरिम के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए लौट आते हैं। दिव्या प्रजापति की मौत अब एक रहस्य नहीं रह गया था, बल्कि इस रहस्य को खोलने की एक चाबी पुलिस के हाथ लगी थी। पर क्या यह चाबी सही थी? क्या इस चाबी से कोई नया दरवाजा खुलने वाला था, या फिर क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स फिर से उसी जगह पर पहुंचने वाले थे जहां से उन्होंने शुरू किया था?
ये इस बात पर निर्भर कर रहा था कि दिव्या का मोबाइल इस वक्त कौन इस्तेमाल कर रहा था और वो पुणे से कोल्हापुर कैसे पहुंच गया और वहां उसे ले कौन गया। कौन था ये रहस्यमय हत्यारा? कल रात 11 बजे हम देखेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।